हम आए हैं द्वारका सेक्टर 10 की मार्केट में और भाई यहाँ पर है एक कार्ट जिसका नाम है लखनऊ जायका गलावटी कबाब। ना आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत है ना चांदनी चौक घूमने की, अगर आप द्वारका में हैं ना तो यहाँ की मटन और चिकन की डिशेस मेरी रिकमेंडेशन है। क्या है खास, आइए आपको दिखाते हैं। भाई ये है लखनऊ जायका गलावटी कबाब की कार्ट और ये रही इनकी मटन और चिकन के डिशेस। यहाँ पे लग रहे हैं कबाब और ये रहे हमारे भैया जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, सुना है लखनऊ का जायका खिला रहे हो द्वारका में, दिल्ली में? दिल्ली में है सर, लखनऊ का ये नवाबों का कबाब है। नवाबों का कबाब है। भैया आप खुद कहाँ से हैं? हम रहने वाले बंगाल के हैं जी, मालदा जिला जी। ये लखनऊ में काम सीखे हैं, 17 साल काम किए लखनऊ में। वहीं का हुनर है, वहीं का टेस्ट है, आपको वहीं का टेस्ट मिलेगा, नवाबों का टेस्ट। क्या बात है। और भैया ये क्या बन रहा है? ये मुगलई पराठा है उल्टे तवे की जी। मैंने सुना है भैया लखनऊ की तो ये डिश जो है खासियत है, ये जहाँ गलावटी कबाब वहाँ ये उल्टे तवे की पराठा आपको मिलेंगे। भाई तो ये लखनऊ उल्टे तवे का पराठा और ये गलावटी कबाब, इनकी एक कॉम्बिनेशन बनती है। भैया और क्या क्या होता है अपने पास? और मटन कोरमा है जी, ये मटन कोरमा आएगा ग्रेवी में। क्या बात है। ये आएगा बटर चिकन आएगा ग्रेवी में जी। ये मटन बोटी बोनलेस में होगा, ये मुगलाई चिकन है जी, चिकन बोटी होगा जी, और चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी की। ये जो ये हांडी है ना, इसे खोलते ही तो बहुत ही प्यारी खुशबू उड़ गई। और भैया यहाँ पे लगा रहे हैं बैक टू बैक उल्टे तवे के पराठे। ये हम यहाँ पे 8 साल से दुकान लगा रहे हैं। क्या पहले हम ही आए थे यहाँ गलावटी लेके लखनऊ से जी। भैया भैया आपका नाम पूछना भूल गया मैं। मेरा नाम है अंजारुल हक। अंजारुल हक भैया, मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाता। मुझे खिलाने के लिए आपके पास कुछ है? हमारे पास सब तो नॉन वेज आइटम है, वेज में कुछ नहीं। वेज पहले रखते तो वेज नहीं है। आप कोई बात नहीं भैया, मैं फिर भी एक प्लेट या गलावटी कबाब लगा के दीजिए, मेरे साथ जो मेरे दोस्त है उन्हें खिलाऊंगा और उसी से हम देंगे आपका टेस्ट रिव्यू। भाई यहाँ पे ये देखिए परफेक्शन गलावटी कबाब लगाने का, और खुशबू बहुत ही प्यारी उड़ रही है इनमें से। भैया एक एक करके कबाब पलट रहे हैं और इधर भैया ये उल्टे तवे के पराठे लगा रहे हैं बैक टू बैक। और ये लखनऊ जायका गलावटी कबाब वालों का एक्सटेंसिव मेन्यू, उसमें सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं, डिशेस लिखी हुई हैं। और भैया एक पराठे में कितने कबाब जाते हैं? एक पराठे में 2 पीस कबाब लगते हैं रोल में जी, और प्लेट में खाएंगे तो 4 पीस कबाब 2 पराठे। भैया खाने वाला एक ही है तो सबसे पहले आप 2 कबाब के साथ एक ये पराठा लगाइए जिसमें खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। भैया ये पराठा बताएंगे क्या खास है, कैसे बनता है? दूध पड़ता है, चीनी डालते हैं और जो डालडा होता है खजूर वाला, केला, ये सब डालता है। केला भी गया इसमें जी। और भैया मैंने सुना है गलावटी कबाब में पपीता जरूर जाता है। हाँ ये गलावटी वो पपीता होता ही है जी, तभी ये गलता है, इसीलिए इसका नाम गलावटी है। तभी ये गलावटी कबाब है। ये नवाबों के लिए बनाया गया था, लखनऊ में टुंडे कबाबी ने बनाया था, टुंडे ने जी, ये नवाब के लिए बनाया गया था, वहीं से ये सृष्टि हुआ। क्या बात है भाई। तो भैया एक हमारा ये पराठा कबाब का रोल बना के दिखाइए। एक रोल लगाओ, लगा दो कबाब। भैया मैं ये देख रहा हूँ कार्ड तो छोटी सी है, चमचमाती है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ है, तो कितने स्टाफ हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग का 6 स्टाफ है। 6 स्टाफ है इस कार्ड पे और आप एक्सपर्ट हैं पराठे के। हाँ। और भैया हैं कबाब के। ये भैया कबाब में है। भाई सबका काम यहाँ पे बटा हुआ है और हर आदमी अपने काम का दस्तकार है। और इधर भैया ने लगा दिए कबाब। 2 लड़के पीछे रहते हैं पैकिंग में जी, और 1 लड़का है तो वो भी प्लेट हटाने के लिए रहता है। क्या बात है भाई, भैया का काम बहुत ब्रिस्क है और इनके चाहने वाले और इनके यहाँ खाने वाले ना लाइन लगा के रखते हैं। भाई वहाँ पीछे डिवाइडर पे तसल्ली से सुकून से लोग खा रहे हैं इनके गलावटी कबाब और इधर भैया बना के क्विक सप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारा कबाब लगाने के लिए भैया ले आए पराठा तवे के ऊपर। ये 2 पीस कबाब लगेगा, इसमें प्याज चटनी लगेगा, इन्हें लगा दो। भाई कबाब को भैया ने हल्का सा दबाया और ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गया पराठे में, डाल दे गुल जाएगा मुंह में। क्या बात है। क्या खाएंगे सर? ये अभी प्याज। ये प्याज है, ये चटनी लगेगी हरी चटनी धनिया वाली जी भैया, और धनिया पुदीना का चटनी जो होती है खट्टी वाली हल्की। और ये भैया ने इसको कुछ अलग ही तरह से रोल किया, ये है फोल्ड कर दिया, इसको काट के प्लेट में लगा के देना भैया को।
काटिया प्लेट उतर लगाए थे। कबाब रोल हो गया हमारा रैप। भाई ये चांदी की प्लेट में चांदी से लपेट के ये हमारा गलावटी तवे का पराठा और गलावटी कबाब भैया ने जो रेडी किया है। भाई आपको पता है मैं हूँ वेजिटेरियन, मैं ये खाऊंगा नहीं, लेकिन इसे खाने के लिए मैं अपने दोस्त को साथ लाया हूँ, उसके खाने के बाद आपको देते हैं इसका टेस्ट रिव्यू। भाई ये है प्लेट की मील ख़त्म करने के बाद फाइनल कंडीशन, और आपको पता लग रहा होगा कैसा टेस्ट खिलाया है। तो भाई मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको नॉनवेज पसंद है और लखनऊ के जायके आप दिल्ली में खाना चाहते हैं ना, तो लखनवी जायका गलावटी कबाब की एक कार्ट है, वो रहे हमारे भैया जी, आइए खाइए और ऐसा स्वाद लेके जाइए जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इंजॉय।